औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम आइन सीन काफ। अल्लाह गालिब दाना उसी तरह तुम्हारी तरफ हिदायत भेजता है जिस तरह तुमसे पहले लोगों की तरफ वही भेजता रहा है। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है और वो बुलंद बरतर है, अजीम है। करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े और फरिश्ते अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ उसकी तस्बीह करते रहते और जो लोग जमीन में हैं उनके लिए मुआफी मांगते रहते हैं। सुन रखो कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है और जिन लोगों ने उसके सिवा कारसाज बना रखे हैं अल्लाह उन पर निगरा है और तुम उन पर दारोगा नहीं हो। और इसी तरह हमने तुम्हारे पास कुरान अरबी भेजा है ताकि तुम उस मरकजी शहर यानी मक्के के रहने वालों को और जो लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं उनको खबरदार करो और उन्हें कयामत के दिन का भी जिसमें कुछ शक नहीं खौफ दिलाओ। उस रोज एक फरीक बहिश्त में जाएगा और एक फरीक दोजख में, और अगर अल्लाह चाहता तो उनको यानी तमाम इंसानों को एक ही जमात कर देता, लेकिन वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है। और जालिमों का न कोई यार होगा और न कोई मददगार। क्या उन्होंने उसके सिवा दूसरों को कारसाज बना लिया है? सो कारसाज तो अल्लाह ही है और वही मुर्दों को जिंदा करेगा और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। और तुम लोग जिस बात में इख्तिलाफ करते हो उसका फैसला अल्लाह की तरफ से होगा। यही अल्लाह मेरा परवरदिगार है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं। वही है आसमान और जमीन का पैदा करने वाला, उसी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स के जोड़े बनाए और चौपायों के भी जोड़े बनाए। वो इसी तरह तुमको फैलाता रहता है, उस जैसी तो कोई चीज नहीं और वो सुनता है देखता है। आसमानों और जमीन की कुंजियां उसी के पास हैं। वो जिसके लिए चाहता है रिज्क फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वो हर चीज से वाकिफ है। उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके इख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया था और जिसकी ऐ नबी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है और जिसका इब्राहिम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था, वो ये कि दीन को कायम रखना और उसमें फूट न डालना। जिस चीज की तरफ तुम मुशरिकों को बुलाते हो वो उनको नागवार गुजरती है। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी बारगाह में बरगुजीदा कर लेता है और जो उसकी तरफ रुजू करे उसे अपनी तरफ के रास्ते पर चला देता है। और वो लोग जो अलग अलग हो गए तो इल्म हक आ चुकने के बाद आपस की जिद से हुए, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वक्त मुकर्रर तक के लिए बात न ठहर चुकी होती तो उनमें फैसला कर दिया जाता, और जो लोग उनके बाद अल्लाह की किताब के वारिस हुए वो उसकी तरफ से बड़े भारी शक में है। तो ऐ नबी इसी दीन की तरफ लोगों को बुलाते रहना और जैसा तुमको हुक्म हुआ है उसी पर कायम रहना और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना, और कह दो कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है मैं उस पर ईमान रखता हूं और मुझे हुक्म हुआ है कि तुम में इंसाफ करूं। अल्लाह ही हमारा और तुम्हारा परवरदिगार है, हमको हमारे अमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे अमाल का। हम में और तुम में कुछ बहस उतकरार नहीं, अल्लाह हम सबको इकट्ठा करेगा और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और जो लोग अल्लाह के बारे में बाद इसके कि उसे मोमिनों ने मान लिया हो झगड़ते हैं, उनके परवरदिगार के नजदीक उनका झगड़ा बातिल है और उन पर अल्लाह का गजब है और उनके लिए सख्त अजाब है। अल्लाह ही तो है जिसने सच्चाई के साथ ये किताब नाजिल की और अदल व इंसाफ की तराजू भी। और तुमको क्या मालूम, शायद कयामत करीब ही आ पहुंची हो। जो लोग उस पर यानी कयामत पर ईमान नहीं रखते वो उसके लिए जल्दी मचा रहे हैं, और जो मोमिन है वो उससे डरते हैं और जानते हैं कि वो यकीनी है। देखो जो लोग कयामत में झगड़ते हैं वो परले दर्जे की गुमराही में हैं। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, वो जिसको चाहता है रिस्क देता है और वो जोरावर है गालिब है। जो शख्स आखिरत की खेती का तालिब हो उसके लिए हम उसकी खेती में इजाफा करेंगे और जो दुनिया की खेती का तलबगार हो उसको हम उसी में से कुछ देंगे और उसका आखिरत में कुछ हिस्सा न होगा। क्या उनके ऐसे शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए ऐसा दीन मुकर्रर किया है जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया,
और अगर फैसले के दिन का वादा न होता तो उनमें फैसला कर दिया जाता, और जो जालिम है उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। तुम देखोगे कि जालिम अपने आमाल के वबाल से डर रहे होंगे और वो उन पर पड़कर रहेगा। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो बहिश्त के बागों में होंगे, वो जो कुछ चाहेंगे उनके परवरदिगार के पास मौजूद होगा, यही बड़ा फजल है। यही वो इनाम है जिसकी अल्लाह अपने उन बंदों को जो ईमान लाते और अमल नेक करते हैं बिशारत देता है। कह दो कि मैं इसका तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता, मगर तुमको कराबत की मोहब्बत का लिहाज तो चाहिए, और जो कोई नेकी करेगा हम उसके लिए उसमें सवाब बढ़ाएंगे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, कदरदान है। क्या ये लोग ये कहते हैं कि पैगंबर ने अल्लाह पर झूठ बांध दिया है? अगर अल्लाह चाहे तो ऐ नबी तुम्हारे दिल पर मोहर लगा दे, और अल्लाह झूठ को नाबूद करता है और अपनी बातों से हक को साबित करता है। बेशक वो दिलों की बातों तक से वाकिफ है, और वही तो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके कसूर माफ फरमाता है, और जो कुछ तुम करते हो वो जानता है। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनकी दुआ कबूल फरमाता और उनको अपने फजल से मजीद अता करता है, और जो काफिर हैं उनके लिए सख्त अजाब है। और अगर अल्लाह अपने सब बंदों के लिए रिस्क में फराखी कर देता तो वो जमीन में फसाद करने लगते, लेकिन वो जिस कदर चाहता है अंदाजे के साथ नाजिल करता है। बेशक वो अपने बंदों को जानता है, देखता है, और वही तो है जो लोगों की नाउम्मीद हो जाने के बाद मेह बरसाता और अपनी रहमत यानी बारिश की बरकत को फैला देता है, और वो कारसाज है, लायक हमदो सना है। और उसी की निशानियों में से है आसमानों और जमीन का पैदा करना और उन जानवरों का जो उसने उनमें फैला रखी है, और वो जब चाहे उनके जमा कर लेने पर कादिर भी है। और जो मुसीबत तुम पर वाकई होती है सो तुम्हारे अपने करतूतों से, और वो बहुत से गुनाह तो मुआफ कर देता है। और तुम जमीन में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, और अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार। और उसी की निशानियों में से समंदर में चलने वाले जहाज हैं पहाड़ों जैसे, अगर अल्लाह चाहे तो हवा को ठहरा दे कि जहाज उसकी सतह पर खड़े रह जाएं। हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए इन बातों में कुदरत के नमूने हैं। या उनके अमाल के सबब उनको तबाह कर दे और बहुत सों को मुआफ भी कर दे, और सजा इसलिए दी जाए कि जो लोग हमारी आयतों में झगड़ते हैं वो जान लें कि उनके लिए कोई जाए फिरार नहीं। लोगों, जो मालूमता तुमको दिया गया है वो दुनिया की जिंदगी का नापायदार फायदा है, और जो कुछ अल्लाह के यहां है वो बेहतर और बाकी रहने वाला है, यानी उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं, और जब गुस्सा आता है तो मुआफ कर देती हैं, और जो अपने परवरदिगार का फरमान कबूल करते हैं और नमाज पढ़ते हैं और अपने काम आपस के मशवरे से करते हैं, और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करती हैं, और जो ऐसे हैं कि जब उन पर जुल्म ज्यादती हो तो मुनासिब तरीके से बदला भी लेती हैं, और बुराई का बदला तो उसी तरह की बुराई है, मगर जो दरगुजर करे और मामले को दुरुस्त कर दे तो उसका बदला अल्लाह के जिम्मे है। इसमें शक नहीं कि वो जुल्म करने वालों को पसंद नहीं फरमाता, और जिस पर जुल्म हुआ हो अगर वो उसके बाद इंतकाम ले ले तो ऐसे लोगों पर कुछ इल्जाम नहीं। इल्जाम तो उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और मुल्क में नाहक फसाद फैलाते हैं। यही लोग हैं जिनको तकलीफ देने वाला अजाब होगा, और जो सब्र करे और कसूर मुआफ कर दे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे तो उसके बाद उसका कोई दोस्त नहीं। और तुम जालिमों को देखोगे कि जब वो दोजख का अजाब देखेंगे तो कहेंगे क्या दुनिया में वापस जाने की कोई सबील है, और तुम उनको देखोगे कि दोजख के सामने लाए जाएंगे, जिल्लत से आजिजी करते हुए छुपी निगाह से देख रहे होंगे, और मोमिन लोग कहेंगे कि घाटे में रहने वाले तो वो हैं जिन्होंने कयामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाला। देखो कि बेइंसाफ लोग हमेशा के दुख में पड़े रहेंगे, और अल्लाह के सिवा इनके कोई दोस्त न होंगे कि अल्लाह के सिवा इनको मदद दे सकें, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसके लिए हिदायत का कोई रास्ता नहीं। इनसे कह दो कि कबल इसके कि वो दिन जो टलेगा नहीं अल्लाह की तरफ से आ मौजूद हो, अपने परवरदिगार का हुक्म कबूल कर लो। उस दिन तुम्हारे लिए न कोई जाय पनाह होगी
और न तुमसे गुनाहों का इनकार ही बन पड़ेगा। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो हमने तुमको इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। तुम्हारा काम तो सिर्फ अहकाम का पहुंचा देना है, और जब हम इंसान को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाता है, और अगर उनको उन्हीं के आमाल के सबब कोई सख्ती पहुंचती है तो सब एहसानों को भूल जाता है। बेशक इंसान बड़ा नाशुकरा है। तमाम बादशाहत अल्लाह ही की है, आसमानों की भी और जमीन की भी। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अदा करता है, और जिसे चाहता है बेटे बख्शता है, या उनको बेटे और बेटियां दोनों इनायत फरमाता है, और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है। वो तो जानने वाला है, कुदरत वाला है, और किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह उससे बात करे मगर वही के जरिए, या पर्दे के पीछे से, या कोई फरिश्ता भेज दे तो वो अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह चाहे इल्का करे। बेशक वो बुलंदो बरतर है, हिकमत वाला है। और इसी तरह हमने अपने हुक्म से तुम्हारी तरफ रूहुल कुदुस के जरिए से कुरान भेजा है। तुम न तो किताब को जानते थे और न ईमान को, लेकिन हमने इसको नूर बनाया है कि इससे हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं हिदायत करते हैं। और बेशक ऐ नबी, तुम सीधा रास्ता दिखाते हो, यानी उस अल्लाह का रास्ता जो आसमानों और जमीन की सब चीजों का मालिक है। देखो सब काम अल्लाह की तरफ रुजू होंगे और वही उनमें फैसला करेगा।